तो जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों, आज का ब्लॉग कुछ अलग तरीके से शूट करते हैं। तो आज के ब्लॉग का अभी कंटेंट मैंने कोई सोचा हुआ नहीं है, तो अभी एनर्जी ड्रिंक से शुरुआत करते हैं, फिर ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने दिन के जो दो तीन काम है, पहला दूध लेने जाना, फिर उसके बाद उसमें जो कुछ भी लाना होगा लेके आता हूँ, फिर उसके बाद आज के ब्लॉग में कुछ नया करते हैं। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। अच्छा दबा दबा लग रहा है क्या? बोल नहीं रहो कुछ, कह दो जय श्री राम। ये क्या था? जय श्री राम। नोचे उले रहे हो, कहीं भी नहीं रहे हो, खांस रहे हो क्या? अच्छा जय श्री राम कह लो, बोल नहीं पाते हो ना, इसीलिए अच्छे कर लो ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई अभी मैंने नहा भी लिया है और सड़ गिर गया, नहा के अब चलते हैं दूध लेने के लिए। अपने कमरे की लाइट वाइट बंद कर देता हूँ, सिर्फ सिंगल लाइट जला देता हूँ। यार बाल अब सफ़ेद हो गए, बुड्ढे बुड्ढे हो रहे हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। कोको बाबू छोले हो क्या छाले नंगू? छोले हो क्या? बोल नहीं ले हो कुछ, चुप्पे लेते हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? बोलो किसी ने कुछ कहा है? अब बताओ यार, कुछ कहा है किसी ने? बोलो, अरे बोल दो, एक बार हंस दो, पाजी कभी हंस भी दिया करो। ओ पाजी 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 कभी हंस दिया करो, दे तो मम्मी को देख के छाले देख ले, इधर नहीं ना। सही है, ब्लॉग देखती हो ना? हैं? अरे बोलो तो, बता दो, देखती हो कि नहीं जल्दी बताओ, नहीं। अरे बोल दो, देखती हो कि नहीं जल्दी बताओ, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल की। नहीं किया, कर दो यार, अब तुम नहीं करोगी तो यहाँ बढ़ रहा मैं, कोई करेगा भी नहीं मेरा, तुम्हें देख के सब करते हैं। दादी फोन कर, तुमने अपने फोन में नहीं किया? आता नहीं तो उसको सर्च करो, अभी आज अभी अभी आज जाके सब्सक्राइब करना। अब नहीं आता है, चलो अभी ला के दिखाते हैं, ठीक है? क्या लल्लू फोन है? येल्लो कलर का था, चलो ठीक है। छुट्टी पे तो गाइस अभी यहाँ पे दूध लेने आए थे बुआ के यहाँ, तो भाभी कहीं लेने लगी कि पोहा खाओ, पोहा कहा नहीं खाएंगे, थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग कर रहा, तो मेरी भाव ना खाओ, अब दो में से कोई एक चीज तो खानी पड़ेगी, पोहा खा ले या भाव, क्या बुआ क्या खा ले बताओ, पोहा खा ले। अच्छा ये हमारे सारे उनसे कह दो व्यूवर्स से कि शिवा के चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर ले, खाओ जल्दी से कि चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर ले। तुमने कर लिया तो अब तो अपने कॉलेज स्कूल की फ्रेंडों को कहो सब सब मेरे चाचू के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कह दो। अरे तो बताओ, फोटो ले जाओ मेरी स्कूल, दिखाओ मैडम को सर जी को कि ये मेरे चाचू हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, बताओ कैसे क्या होगा? हाँ तुम चाहते ही नहीं कि हमें कोई जाने, है ना? तो सर जी लोग को नहीं बताओ स्कूल में कि ये मेरे चाचू हैं, फेमस हो गए ना स्कूल आए तो फोटो खिंचवाएंगे, देखना तुम कहाँ सर जी भी सब्सक्राइब करो, कह दो अच्छा तुम ऐसे कराओ भी देखना फोन में, जब देखोगे अपने आपको तो शर्म आएगी तुम्हें। अरे उसमें नहीं देखना, चलो छोड़ो। तो भाई अभी पोहा आ गया है और इसे खा के फिर दूध लेके यहाँ से घर निकलते हैं। तो भाई फाइनली दूध लेके घर आ गए और
गर्मी को रिकॉर्ड तो है। ये लो बबुआ की हगीज भी ले आए, ठीक है, दूध भी है रखा है, दोनों दूध पुतले हैं। बाबू कहाँ गया? क्या कर रहे हो दादी के साथ बैठ के? पढ़ाई कर रहे हैं पापा। अच्छा, ये महेश्वरी जी की क्लास ली जा रही है क्या? क्यों, महेश्वरी है ना? ओ, ये विकास है, हमको लगा वो महेश्वरी है जो आते हैं उसमें। तो भाई, ये जतिन की पढ़ाई चल रही है और ये चाचू के साथ ज्ञान ले रहे हैं, पर ऐसे बैठ के पढ़ते हैं ना, वो कभी पढ़ते नहीं है, मुझको ऐसा फील होता है। ओए छुपाए हो क्या कि वीडियो बनाए? छाले बदतमीज। साले गुंडा। तो गाइस, अभी मेरा खाना पीना हो गया था, अभी मेरा अन्नू के साथ प्लान बना है लखनऊ जाने का, तो वहाँ पे हम लोग इमामबाड़ा और अयोध्या और क्या बोलते हैं जो नया मॉल लुलू मॉल खुला है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। तो काफ़ी दिन से मियाँ बीवी ब्लॉग में सिर्फ मियाँ जी बोले पड़े थे और बीवी जी का कोई रोल नहीं हो रहा था, तो बीवी जी को भी रोल में ले लेते हैं। बीवी जी भी कुछ कहना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आपको घूमने जाने में? अच्छा लग रहा है जाने में। कहाँ जा रही हो घूमने तो बताओ पहले। शर्मा कह रही हो, जल्दी से बताओ, नहीं हम कैमरे में रखेंगे, जल्दी बताओ कहाँ घूमने जा रहे हो? जा रहे हैं हम लोग लखनऊ घूमने। लखनऊ जा रही हो? लखनऊ की जगह? लखनऊ में लुलू मॉल, इमामबाड़ा और पता नहीं जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ बताएंगे। तो फिर गाइस चलते हैं और फिर लुलू मॉल पहुँचते हैं। पहले अभी सबसे पहले लुलू मॉल जाएंगे हम लोग। तो लुलू मॉल जा रहे हैं, पर इस लुलू को हम लोग अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसको लेके जाना अभी ठीक नहीं है, इसको ना इसकी दादी के पास छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या ऊपर देखो एक बार, ओए ओए ओए, ये देखो, ये देखो जी। हाँ, कहीं तो गल में लाएंगे, अभी छाल वल के जब हो जाएंगे तब जाएंगे, चलने लगेंगे। क्यों, अभी कहाँ जाएंगे जब चल पाते नहीं है, है ना? कोई डिमांड नहीं मेरी, पड़े रहेंगे तुम लोग के साथ। तो गाइस, हम लोग बिल्कुल चलने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अभी मेरे दोस्त को एक पप्पी चाहिए था, तो उसने मुझको फ़ोन किया, तो इसको भी बैठा लिया है, तो इसको जाते हुए रास्ते में दे दूंगा। फिर अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आ बैठो, देखो कूद ना जाए, है ना? तो भाई अनुभव, फुल सपोर्ट चाहिए इधर, पूरे सब्सक्राइबर, है ना? सिस्टम हैंग हो जाना चाहिए पूरा। तो फिर अभी हम लोग यहाँ से फाइनली निकल रहे हैं। तो भाई ये देखो हमारा कुत्ता यार जा रहा है, इसको भाई कहाँ ले जा रहे हो, उसको बता दो तो यार। कम से जा रहा है बरेली प्रधान जी के यहाँ। अच्छा, बरेली प्रधान जी के। चलो भाई पढ़ाया खिलाना पिलाना जी, अपना डेविल जैसा ही। हाँ हाँ, वही नहीं कहा है ना, ठीक है। हम लोगों ने उसको अपने क्या बोलते हैं जो पिल्ला था हम लोग का, उसको दे दिया यार, अब वो चला गया है। तो थोड़ा सा देने के बाद तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन देना तो पड़ेगा यार, सबको तो रख नहीं सकते, दिक्कत इस बात की है। तो फिर अब हम लोग आगे लुलू मॉल के लिए चल रहे हैं, तो लुलू मॉल पहुँचते हैं। भाई हम लोग लुलू मॉल पहुंच गए हैं और अब इसके अंदर चलते हैं, इसकी पार्किंग वगैरह ढूंढते हैं कहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम आए हैं, ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है सही से इसके बारे में। तो अभी हम लोग बिल्कुल पार्किंग पे पहुंच गए हैं और गाड़ी अपनी पार्क करने जा रहे हैं। पार्किंग है, निकल जाएगी मेरी गाड़ी बेसमेंट पार्किंग नहीं निकलेगी। काहे उतनी उधर, काहे इतनी ऊंचाई है वो, देखो आगे वहां गुजर जाएगी। चुप रहो तुम,
हाँ गुज जाएगी, बहुत है वो, लग रहा है ऐसा कि नहीं निकल पाएगी पर निकल जाएगी, इतनी ऊँची चोरी ना निकल गई। वो जब एक स्कॉर्पियन खड़ी नहीं अंदर, अब यहाँ से क्या होता, यहाँ पे टिकट भाई, पार्किंग यहाँ की बिल्कुल जैसे लग रहा दुबई उबई में आ गए, इतनी हाईटेक तरीके से बनी है। बाकी तो भाई बनी भी होगी कहीं पे तो मैंने तो देखी नहीं, पर मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है भाई। पार्किंग में जो पाइप वाइप देख रहे हो ना, हमको तो लग रहा कहीं मेरी गाड़ी ना लड़ जाए यार, दिक्कत इस बात की बिल्कुल, मतलब कोई स्पेस ही नहीं। देखो यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है, लेकिन भाई जब निकल रही है तो निकल तो रही है, पर डर अलग से लग रहा है कि कहीं छू ना जाए ऊपर। लेकिन भाई बनी होगी तो सोच साँच के लोगों ने बनाई होगी कि छुए ना कहीं पे भी, उस हिसाब से तो बनी होगी। और भाई हमें तो लग रहा है जब तक पार्किंग ग्रीन ना हो, भाई बहुत हाईटेक पार्किंग है, मतलब अगर गाड़ी गलत खड़ी है तो रेड लाइट, सही खड़ी है तो ग्रीन, मेरी गाड़ी की तो रेड ही जल रही है। पर देखो इस पर देखो गाड़ी जा रही वाली है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी कर रहा है, पर इसे है नहीं ना। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, चलते हैं अंदर देखते हैं कैसा है लुलू मॉल। अरे यार ऊपर चले पहले, हाँ ऊपर से देखना थोड़ा बड़ा, फूड कोर्ट चलते हैं, घूमे जाओ फूड कोर्ट चलते हैं ना, इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा। आओ फूड कोर्ट चिल फॉर 299 वैल्यू। अच्छा जो ना चढ़ पाए उसके लिए बढ़िया, ये काम बढ़िया है क्योंकि बहुत से लोग नहीं चढ़ पाते हैं। अभी जूते खरीदेंगे हम यहाँ से आज, बढ़िया यहाँ से पूरा एक्सप्लोर करते हैं लुलू मॉल भाई। मतलब यार पूरी स्पेस की तो कोई कमी नहीं है, पर पैटर्न जेड स्क्वायर वाला ही लग रहा हो, सबसे ऊपर खाना वाला और बाकी नीचे कपड़े वपड़े अपना है ना, जेड स्क्वायर से बड़ा है लोगों। हाँ बड़ा बहुत, दुकान वकान देखो कितनी बड़ी बड़ी है लोगों की यार। अच्छा काफ़ी अच्छा मॉल बना हुआ है ना, लेकिन लेकिन पता है क्या, मतलब ऐसा गर्मी नहीं लग रही कहीं ना, एकदम चारों तरफ एसी लगी हुई है, देखो पूरा एयर कंडीशनर बिल्कुल ठंडी वाली वो भी एसी चल रही है। उधर ये बच्चों वाला बना हुआ है, अभी हमारे वायु बड़े होता तो वहीं ले जाते उसको, बढ़िया टॉप अप करवाते उसके लिए तगड़ा वाला 2,500 रुपये का। हाँ 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 एकदम 16-17 टेम्परेचर पर एसी चल रहा होगा। ये बीच का मतलब मीडियम है, मतलब कि स्टार्टिंग यहीं से है पूरे। अभी चलते गेम वाले सेक्शन में, कोई गेम देखा जाएगा। बाय टू गेट टू फ्री, एकदम प्राइस लिस्ट क्लियर। अरे भाई यहाँ का वो देखो क्या बोलते हैं फूड कोर्ट देखो, मतलब कितना बड़ा बना, वो कितनी सारी इंस्टॉल मतलब दुकान लगी हुई है, इसकी कोई गिनती नहीं है। हर एक ब्रांड का खाना मिल रहा है यहाँ पे, कि आपको कौन से ब्रांड का खाना खाना है,
बर्गर का खाना है कि पिज्जा का खाना है, सारे ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए आप, मैं दिखा सकता हूँ आप लोग कैमरे में, देख रहे हैं कितने दूर तक के मतलब दिख रहे हैं। देखिए मैंने झूम मारा है, आप चेक करिए एक बार। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है भाई, काफ़ी अच्छा माहौल है मानना पड़ेगा। हाँ तो यार ये सब मिल रहा है, भुट्टा भुट्टा कौन खाएगा। डोसा मिलेगा, डोसा खाओगे, खाओ चले आओ भाई। यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं, अन्नास करके एक मतलब कि दुकान है इनकी जो भी बोले, तो उसमें बढ़िया मतलब कि इन लोगों ने इनका जो ड्रेस कोड है वो एकदम बोले तो एकदम मद्रास की तरीके है। तो अभी मैंने ये 299 वाला कैंसिल कर दिया ना, 299, हाँ 299 वाला, ये जो इसमें उल्टा दिख रहा है 299 वाला एक मैंने कॉम्बो मंगाया हुआ है, जिसमें मुझको मिनी डोसा, इडली, वड़ा, प्लम बटर, मिल्क वगैरह ये सब मिलेगा। तो फिर अभी इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं। तो भाई ये देखो, डोसा ऑर्डर किया था जो कॉम्बो 299 में था, जिसमें वड़ा, एक पापड़, एक मसाला डोसा में आलू बहुत कम है, एक इडली और बाकी चटनी वटनी आप देख सकते हो। तो भाई अभी ना वड़ा पाव खा के, वड़ा पाव कह रहे सॉरी वड़ा खा के देखते हैं। ठीक है, ये मीठा मीठा लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है। तो भाई अभी हम लोगों ने जो डोसा खाया, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं था और ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, क्योंकि इससे अच्छा तो हमारे साकेत नगर में मिलता है, उसको खाने के बाद जो मज़ा है ना वो यहाँ इसमें नहीं आया, ये डोसा में नहीं आया। अब ऐसा क्यों भाई, कुछ लोग को पसंद आता है, कुछ लोग की ना पसंद है, सबकी पसंद क्योंकि अलग अलग है। बारबेक्यू नेशन है यहाँ पे, बारबेक्यू में चलो खूब दबा के खाओ, पैसे वसूल करने की क्षमता गए दे लोग तो पाओगे लोग दबा दबा के, लेकिन चाहे जितने रुपए दे लोग देते ऐसा आइटम खिलाएंगे तुम्हें कि तुम पूरा वसूल नहीं कर पाओगे। हाँ क्या कह रहे भाई, सर डिस्टर्ब करिए, दिव्यांग मेडिकल ऑफिसर की तरफ से जो आना है थोड़ा हैंडीकैप बच्चे तो फूड मेडिसिन एजुकेशन के लिए डोनेशन करें भाई, बेड के नीचे नहीं है वैसे तो रही थी, मतलब जैसे अपनी फर्श खाली है तो उस पर भी डाल सकती हूँ बच्चे, मतलब जैसे बउआ गिरे तो फिर ज़्यादा इसमें भयंकर करते हो। हाँ फर्जी में होंगी, इससे बढ़िया मिर्ज़ापुर चले जाएँ, कालीन भैया के यहाँ मैट मिल जाएंगी। हाँ आओ यहाँ कुछ भाई, वाओ चाइना में देखते हैं। अब नॉन वेज वेज दोनों है, हम लोग को वेज ही लेना है, वेज ही फ्राई राइस, कॉर्न नूडल्स, चिली पनीर ड्राई नहीं है, छोड़ो यार बेकार है, आओ
नहीं यार ये वैंगो वाले यार कुछ हमको यार वैसे नहीं मिल रही करने वाले यार चिकन यार लग रहा है इंडिया में कुछ ज़्यादा ही मिलने लगा हर जगह चिकन और इसके यहाँ दही बल्ले मिल जाएंगे और दही बल्ले आओ दही बल्ले मिल जाएंगे दही बल्ला मिल जाएंगे एक प्लेट लगा दो और तुम क्या खाओगे देखो राज कचौरी पानी पूरी दही बल्ला बल्ला पापड़ी चाट रोल खाओगे क्या पनीर टिक्का पराठा रोल है ये बहुत सारी चीज़ें हैं लस्सी है गुलाब जामुन है गुलाब जामुन खाओगे अब ये नहीं खाओगे दही बल्ला देख लो कितने सारे आइटम लगे हुए हैं गुलाब जामुन इतने यहाँ पक्का में पड़े हुए हैं जो तो लस्सी लस्सी देख लो कचौड़ी देख लो कचौड़ी राज वाली कचौड़ी राज कचौड़ी तो फिर वही मैं अरे तुमको जो जो मतलब अभी पूरा सही से देखो तो देखो ये क्या है तो वही हमने दही बल्ला और करारी पापड़ी वाली जो चाट होती है वो ऑर्डर करी है जिसके रेट 119 होते हैं विद GST वगैरह लगा के 125 के हमको दोनों पड़ गए हैं दही बल्ले और पापड़ी चाट बोली थी तो उस पे सामने सेव पूड़ी बना हुआ था और इस पे ये देखो भाई बिल्कुल लो क्वालिटी का आइटम बना के दिया भाई बिल्कुल मतलब इनको आती तमीज़ी नहीं लग रहा बनाने की तो भाई सामने से बोले थे कि जो फोटो पे आइटम है वो वाला चाहिए पापड़ी चाट तो भाई ने बना के दे दिया मुझको ये वाली दूसरी चाट और दही बल्ले तो भाई ऐसा लग रहा खाली पूरा दही और ऊपर से बस वो डाल के दे दिया है कहीं कहीं आइटम ख़राब भी मिल जाता है तो भाई लूलू मॉल आओ स्ट्रीट फूड्स पंजाबी ग्रिल याद रखो अपना ला देखिए भाई इस टाइप का अगर खाना खाने से बचना है तो यहाँ बताओ तो भाई अभी हम लोगों ने पूरा लूलू मॉल घूम लिया कोई ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं है कि मतलब बहुत सी बुराइयाँ सुनी कि जेड स्क्वायर से बहुत बड़ा है कोई खास इतना बड़ा भी नहीं है हाँ मुश्किल से ज़्यादा एक बीघा एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो एक बीघे से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होगा बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है बस ये है कि वहाँ पे थोड़ी दुकान छोटी स्मॉल टाइप की यहाँ थोड़ी सी बड़ी कर दी है बस जब एक बीघा ज़्यादा है तो उसमें दुकान भी ज़्यादा हो जाएंगी तो भाई अब हम लोगों ने लूलू मॉल घूम लिया भाई एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे D2 वगैरह पार्किंग C18 करके मतलब कि प्लेयर नंबर पड़े हुए हैं और भाई हम लोगों ने यह याद ही नहीं किया कहाँ पे खड़ी कर रहे बस खड़ी किए ऊपर चलेगा अब क्या दिक्कत आ रही ना गाड़ी नहीं मिल रही है अब वो ढूंढ रहे हैं हम लोग पैदल पैदल घूम के गाड़ी खो गई कहाँ पे खड़ी है ये हमको याद ही नहीं आ रहा खुद पर अब भटक रहे हैं और मेरी गाड़ी में चाबी से बजाने पर वो भी टू पू नहीं करता है तो यार समस्या हो गई यार ये भाई सच में बहुत बुरा लग रहा है यार गाड़ी नहीं मिल रही इतनी देर हो गई मतलब क्या बताएं मतलब GPS भी है गाड़ी में हॉर्न भी है सब कुछ है पर नीचे नेटवर्क नहीं ना इतने नीचे आ गए हैं अब यार उलझन हो रही है यार करे तो करे क्या क्यों पैदल चला जाए तो गाड़ी यहीं छोड़ दोगे क्या अब नहीं मिले बताओ क्या करे बताओ मिले घूमने कैसे आओ इधर देखें चल के अरे तो पता था क्या जो ऐसा सीन हो जाएगा यार भाई फाइनली हमारी गाड़ी मिल गई काफ़ी दूर से दिख रही है ये खड़ी हुई है भाई क्या यार मतलब यार कम से कम 1 किलोमीटर तो हो गया इसे पैदल चल चले जितना खाया वाया था सब ख़त्म कोई मतलब नहीं है यार हाँ काफ़ी टाइम बाद मिली खोई हुई हमारी गाड़ी तो भाई लूलू मॉल से हम लोग सीधा फिर अयोध्या आ गए हैं तो अयोध्या से मंदिर से 1 किलोमीटर पहले हमको रूम मिल गया तो हमने रूम ले लिया अपना और अभी रात भर स्टे करेंगे उसके बाद सुबह अयोध्या जाएंगे तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करता हूँ अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है सिर्फ एक बटन दबानी है भाई के लिए इतना सा कर दो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।